विराट कोहली को वनडे इंटरनेशनल की कप्तानी क्यों छोड़नी पड़ी थी, इस पर उसी वक्त से चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन अब जाकर एक स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हुआ है। और ये जो खुलासा हुआ है और जो स्टिंग हुआ है वो बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का हुआ है। उस स्टिंग ने जो है भारतीय क्रिकेट में एक तूफान ला दिया है और उस स्टिंग से बहुत सारी बातें सामने आई है। इंजेक्शन की बात एक आई है सामने, अब ये इंजेक्शन क्या है, रोहित और विराट के रिश्ते कैसे हैं उस बारे में बातचीत हुई है, और गांगुली और विराट के बीच में क्या कुछ हुआ था उस बारे में भी बातें उजागर हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। देखिए, एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का और उसमें कुछ बातें सामने आई हैं। तो जो सबसे बड़ी बात अगर इस स्टिंग ऑपरेशन से निकलकर जो सामने आई है, जो भारतीय क्रिकेट की सच्चाई को बता रही है और ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि क्या क्या होता है भारतीय क्रिकेट में, तो कहें कि एक बात तो ये है कि विराट कोहली की वनडे इंटरनेशनल की कप्तानी कैसे गई। 2021 में T20 विश्व कप में कप्तानी करने से पहले ही विराट कोहली ने यह घोषणा कर दी थी कि वो अब T20 में कप्तान नहीं रहेंगे, वो टेस्ट और ODI में कैप्टेंसी करते रहेंगे। लेकिन इसके बाद जो साउथ अफ्रीका के लिए टीम अनाउंस हुआ, दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए 2022 में ये सीरीज थी, ये दिसंबर 2021 की बात है, तो उस समय टेस्ट कप्तान के रूप में तो विराट कोहली का नाम था, लेकिन वनडे इंटरनेशनल की कप्तानी के लिए रोहित शर्मा का नाम सामने आया था। तो ये बातें हुई थी तो ऐसा लगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें ये बातें कही कि उन्हें ODI की कैप्टेंसी से हटाया जा रहा है, इसकी जानकारी उन्हें 1.5 घंटे पहले मिली और उस समय ये विवाद खड़ा हो गया था। तो ये जो स्टिंग हुआ है उसमें चेतन शर्मा ने साफ साफ कहा है कि देखिए ऐसी बात नहीं है, और जो विराट को लगता है कि सौरव गांगुली ने उन्हें ODI की कप्तानी से हटाया, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें 9 लोग थे और उसमें सौरव गांगुली ने विराट कोहली को कहा था कि देखो पहले एक बार सोच लो पहले, जब विराट कोहली ने ये कहा कि वो T20 की कप्तानी नहीं करेंगे, तो उस वक्त जो है सौरव गांगुली जो उस समय तत्कालीन BCCI प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि कप्तानी छोड़ने के बारे में एक बार सोच लो। लेकिन चेतन शर्मा ने ये बातें भी कही कि हो सकता है विराट कोहली ने ये बात नहीं सुनी हो, और लेकिन अब इससे एक बात तो सामने जरूर आ रही है कि उस वक्त सौरव गांगुली ने विराट कोहली को जरूर कहा था कि वो कप्तानी छोड़ने से पहले सोच लें, क्योंकि जो चीफ सेलेक्टर थे चेतन शर्मा, उनका कहना है कि हमने ये तय कर लिया था कि हम व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक ही कप्तान रखेंगे, तो T20 में जो कप्तानी करेगा वही वनडे इंटरनेशनल में भी कप्तान होगा, तो ये हमने तय कर रखा था। और ये इसीलिए सौरव गांगुली ने विराट कोहली को ये बातें कही थी कि कप्तानी छोड़ने से पहले एक बार सोच लो। तो उनका कहना है कि जो विराट कोहली ये सोच रहे थे कि सौरव गांगुली की वजह से उनकी कप्तानी गई है, वो बिल्कुल गलत है। ये फैसला एक तरह से अगर उनकी बातों से मतलब निकालें तो सिलेक्शन कमेटी का था, चेतन शर्मा का था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें जो विराट कोहली ने ये बातें कही कि उन्हें 1.5 घंटे पहले कप्तानी से हटने के बारे में सूचना मिली वनडे इंटरनेशनल की, तो वो बिल्कुल एक गलत बात थी, उन्हें ये मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं उठाना चाहिए था। तो ये बातें उन्होंने कही हैं, और साथ ही उन्होंने ये बातें भी जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उस वीडियो में कहा है जो कि इंटरनेट पर वायरल है, उसमें उन्होंने कहा है कि जब प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाता है ना तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है, बोर्ड से भी बड़ा हो गया है, तो फिर उसको लगता है कि मेरे को तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे बिना तो क्रिकेट बंद हो जाएगा इंडिया में,
ऐसा चेतन शर्मा ने कहा, उन्होंने कहा कि फिर पूछा उन्होंने, कभी हुआ है ऐसा, बड़े बड़े आए बड़े बड़े गए, क्रिकेट तो वहीं का वहीं रहता है। तो वो उसने उस समय हिट मारने की कोशिश की। अब हिट मारने की कोशिश की उसने, तो उसने मतलब यहां पर विराट कोहली हैं, और हिट मारने की कोशिश की तो किस पर, तो सौरव गांगुली पर। तो यही बातें जो है वो चेतन शर्मा ने कही हैं, ये जो स्टिंग वीडियो जो सामने आया है उसमें। इसके अलावा हम आपको बताएं कि चेतन शर्मा ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच जो रिश्ता है उस पर भी बातें की। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच कोई मुद्दा नहीं है, हाँ ईगो एक इशू है, दोनों अपने अपने ग्रुप के लीडर हैं और ये ऐसा हो जाता है। उन्होंने इसकी तुलना जो है अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र से की है। उन्होंने कहा कि जैसा फिल्म इंडस्ट्री में भी अमिताभ बच्चन जी और धर्मेंद्र जी हैं, इससे की है। इसके अलावा जो एक बड़ी बात उन्होंने कही है वो एक इंजेक्शन की बात की है, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया कि कहा उन्होंने कि जो अनफिट प्लेयर होते हैं वो एक इंजेक्शन लेते हैं, और वो जो इंजेक्शन है वो जब आप डोप टेस्ट करते हैं उसमें आता नहीं है कि वो इंजेक्शन लिया गया है, और 80% फिट खिलाड़ी भी अपने आप को फिट घोषित कर देते हैं और मैच खेलते हैं। तो हो सकता है इसी वजह से ये चोट, जिस पर कि हम लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं कि एनसीए से फिटनेस टेस्ट पास करके खिलाड़ी आते हैं तो फिर वो इतनी जल्दी चोटिल कैसे हो जाते हैं, इस पर जो सवाल हमने भी कई बार उठाया है, वो हो सकता है कि इस वजह से हो रहा हो। लेकिन अब वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं ये नाम नहीं पता है। हालांकि उन्होंने एक बात कही है कि बुमराह का भी जब सिलेक्शन हुआ था विश्व कप से पहले तो उस समय वो भी फिट नहीं थे और उनकी चोट उभर कर आ गई थी और इसीलिए फिर बाद में वो बाहर गए। तो ये तमाम बातें चेतन शर्मा का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है और उसमें जो बातें अब इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं उसके जरिए पता चली। लेकिन जो भी है, भारतीय क्रिकेट की कुछ कड़वी सच्चाइयों से रूबरू होने का मौका मिला है लोगों को, आपने भी वो कड़वी सच्चाई जानी होगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।